हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आज चर्चा करने वाला हूं विकास लाइफ केयर लिमिटेड पे। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों। विकास लाइफ केयर लिमिटेड, जिसका कि मार्केट कैप 1050 करोड़ का हो चुका है, करेंट प्राइस 6 रुपया 50 पैसा, 52 वीक का हाई लो 8 रुपया और 2 रुपया 66 पैसा, 8 रुपया कुछ ही दिन पहले बनाया था। स्टॉक भी कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ये स्क्रीनर के वेबसाइट पे है। बुक वैल्यू 2 रुपया 45 पैसा, बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रही है ये शेयर। डिविडेंड कुछ भी पे नहीं कर रही है, फेस वैल्यू 1 रुपये का है। आरओई आरओसी माइनस में है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 1 ईयर का चार्ट इस तरीके का है कि एक हाई बनाता है, फिर थोड़ा नीचे आकर के कंसोलिडेट करता है, फिर से उससे बड़ा हाई बनाता है कुछ ही दिन के बाद में, फिर से नीचे आया, अब फिर से कुछ दिन हो सकता है कंसोलिडेट करें, लेकिन ऐसा उम्मीद लग रहा है कि ये फिर से 7 रुपये को पार करेगा कुछ ही दिनों में। बाकी इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है, इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेक अनुसार ही। प्रोज 3 है और कॉन्स भी 3 है। ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी, दूसरा है डेब्ट डेज इम्प्रूव्ड 176 दिन से 130 दिन हो चुका है। कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 178 दिन से 101 दिन हो चुका है। और कौन सा है इसमें, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.65 times इट्स बुक वैल्यू और कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तीसरा है प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट क्वार्टर 0.77%, प्रमोटर होल्डिंग इज लो 10.6%। पीयर कंपैरिजन में ये 8वें नंबर पे है कंपनी। क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर 2023 का, जो कि थोड़ा माइनस में आया है। सेल्स घटा है, 99 करोड़ 28 लाख का हो चुका है और एक्सपेंस उससे अधिक है 104 करोड़ 8 लाख का, जिसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4 करोड़ 80 लाख माइनस में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माइनस में 4.83%। अदर इनकम भी पिछले क्वार्टर के अपेक्षा 50% से ऊपर घटा है, जो कि 3 करोड़ 10 लाख इस तरीके से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस में 3 करोड़ 1 लाख का हो चुका है और नेट प्रॉफिट माइनस में ही है 3 करोड़ 87 लाख का, जिसकी वजह से ईपीएस माइनस में 2 पैसा। बैलेंस शीट में सितंबर 2023 के अनुसार टोटल एसेट इसके पास 457 करोड़ का हो चुका है, जिसमें कि रिजर्व 208 करोड़ का और ब्रोइंग मात्र 26 करोड़ का है। लेकिन वही अदर लाइबिलिटीज भी है इसके पास 79 करोड़ का। कैश फ्लो प्लस में है,
शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि पिछले क्वार्टर घटा है ऊपर बता चुका हूँ, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इसमें थोड़ा सा बढ़ा है जनवरी 2024 में दिसंबर 2023 की अपेक्षा, जो कि मात्र मात्र 3% ही बढ़ा है, 3 व्यक्ति। इसमें एक 21 फरवरी का न्यूज है और उससे पहले 19 फरवरी का भी है, जो कि मीडिया रिलीज्ड विकास लाइफ केयर लिमिटेड सब्सिडियरी पीएमई एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स टू स्पेक्टाकुलर इवेंट्स इन दुबई, तो इससे संबंधित है न्यूज, और 19 फरवरी का भी उसी से संबंधित न्यूज है, पीएमई एंटरटेनमेंट से ही संबंधित है। तो लगभग लगातार उसी से संबंधित न्यूज आ रही है, तो ये भी इस कंपनी के लिए अच्छा न्यूज है। मेरा राय है कि इस कंपनी में इस कंपनी को अच्छी तरीके से जाने पहचाने फिर इन्वेस्टमेंट करें। बाकी ये बात, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट डे इसमें अप ट्रेंड बनने की उम्मीद है। क्योंकि काफ़ी गिरावट हो चुकी है, जैसा कि इसका बिजनेस मॉडल है उसके अनुसार। बाकी आप लोगों का क्या राय है ये भी कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों अब तक बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।